तो हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स कैसे ले पेटीएम से। जी हाँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक जब भी मैं लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पेटीएम दे रहा है लोन, तो लोन कैसे लेंगे? आप भी लोन ले सकते हैं। तो पेटीएम 300 से लेकर 60,000 तक लोन दे रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो क्रेडिट कार्ड दे रहा है। क्रेडिट कार्ड का लिमिट 300 से लेकर 60,000 तक है, यानी कि 300 to 60,000। तो कैसे? सबसे पहले आपके पास पेटीएम होना चाहिए। तो मेरे पास पेटीएम ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं पेटीएम ओपन करता हूँ। और एक चीज़ और है कि पेटीएम में आपका केवाईसी होना चाहिए, यानी कि केवाईसी मैंडेटरी, पहले से केवाईसी होना चाहिए तो वो पोस्टपेड लोन देगा। तो इस तरह अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है, अगर लोन आप इंस्टॉल भी किए हुए हैं ऑलरेडी, ट्रांजेक्शन अच्छे कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। जितने अच्छे ट्रांजेक्शन है उतने अच्छे आपको लोन मिलेंगे पेटीएम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पेटीएम इस तरह ऑन करना है। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल करवा के फिर आप केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए, और उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको तीन लाइनिंग दिख रहा है अपर में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में जाना है, पेमेंट सेटिंग। तो ये फीचर्स जो था ये पहले नहीं था, ये फीचर्स न्यू आया है। तो पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको नीचे जाना है, नीचे में कुछ है, आपको इस तरह ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पेटीएम पोस्ट पेड यानी न्यू, कुछ फीचर्स जो है न्यू ऐड हुए हैं इसमें पेटीएम में। तो पेटीएम फीचर्स में यानी कि पेटीएम आपको इसमें जाना है, पेटीएम पोस्ट पेड में जाना है आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करता हूँ मैं। और देखिए मेरा 2500 लिमिट मिला था मेरा, देख सकते हैं। और पोस्ट पेड लिमिट ही 2500 यानी 2500, जिसमें से मैं 23 रुपये का रिचार्ज भी करके देखा हूँ टेस्ट के लिए। जो टेस्ट के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, पासबुक में टेस्ट करा देता हूँ। मैं 23 रुपये का रिचार्ज किया था एयरटेल नंबर पे, 1 अप्रैल को रिचार्ज किया था 1 PM में। तो देख सकते हो इसका बिल जनरेट कब होगा। यहाँ पे देखिए 23 का बिल है, बिल विल बी जनरेटेड ऑन 1 मई 2019, यानी कि 1 महीना का टाइम मिला। जनरली आप क्रेडिट कार्ड लेते हो किसी बैंक से तो 45 डेज का टाइम होता है। इसमें बस अंतर यही है कि आपको 30 डेज मिलेगा, वो भी फ्री में मिल रहा है। 30 डेज वो भी कम नहीं है, अब बिना कोई पेपर से। कोई पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको पोस्टपेड लोन ऐसे ही मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो ये क्रेडिट कार्ड है। अगर 30 दिन के अंदर आप बिल पेमेंट कर देते हो तो फिर कोई चार्ज नहीं होगा एक्स्ट्रा, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। तो वो आपके ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिमिट मिलना चाहिए। तो आपको इस तरह जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एवेल नाउ, क्लिक टू एवेल नाउ, कंग्रेचुलेसन, ऐसा कुछ आएगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है, फॉलो करना है। फॉलो करते ही आपका जो लिमिट है वो लिमिट मिल जाएगा। तो मेरा 2500 का लिमिट था जिसमें 23 का रिचार्ज किया। तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? यूज इस तरह आप किसी में कर सकते हैं। देख सकते हो आप प्रीपेड या पोस्टपेड, DTH, ब्रॉडबैंड, मतलब जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी ऑप्शन में यूज, पेट्रोल पंप पे या फिर मूवी टिकट में, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, ये सब में आप उसकी लिमिट का यूज कर सकते हो। यूज करने के 30 डेज बाद बिल जनरेट होगा, यानी 30 डेज बाद आपको ये देना है पेमेंट। कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पेटीएम ने बहुत अच्छा चीज़ लाया है ये। और ये बहुत, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स, बिना कोई प्रूफ, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स का, सिर्फ KYC होना चाहिए। अच्छा ट्रांजेक्शन अगर है तो आपको 60,000 तक भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का लिमिट। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं बोलता हूँ आप भी इस फैसिलिटी का लाभ उठाइए। अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको कि आप जो पोस्टपेड है, पोस्टपेड से आप अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें बैलेंस। यानी कि पोस्टपेड में मान लेते हैं 50,000 लिमिट मिल गया, तो 50,000 आप अकाउंट में ट्रांसफर करके विदड्रॉल भी कर सकते हो कैश। अब फिर 30 दिन बाद आप पेमेंट कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल जो चैनल है रेड पर क्लिक कीजिए, राइट सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर टिक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।